हेलो गाइस, सरपंच जी के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के जो हैं अभी 9 बज चुके हैं और अभी तक जो थी बारिश, लेकिन अब धूप आ गई है। आप देख सकते हैं ये मौसम भी प्यारा और सुनहरा हो चुका है। और ये हैं मम्मी जो अभी देख रही हैं सीरियल, देख सकते हैं आप। पूजा पाठ तो मम्मी की पहले हो चुकी है, नाश्ता तो हम लोगों का हो चुका है और अब हमारी तैयारी हो रही है मार्केट की। मार्केट के लिए अब जो है हम थोड़ी बहुत सब्जियां जो है तोड़ रहे हैं, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। और ये हैं सरपंच जी, देख सकते हैं आप, जो हैं लौकी तोड़ रहे हैं मार्केट के लिए। ये अब जो है हम इनसे थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे लौकियों के बारे में, किस तरह से इन्होंने इनका इसका उत्पादन किया, बताइए जी। पूजा जी, हमने जो उत्पादन किया है आप देख रहे होंगे हमारे उधर, मैंने करीबन 15 से 20 इसी तरह से बेलें लगाई हुई हैं अच्छी क्वालिटी की, तो आप ये देख रही होंगी, ये एक अलग वैरायटी का मैंने क्या कहते हैं विकसित करी है इस बार खुद से ही यहाँ पे। और जो बीज होता है ये हम खुद ही घर पे ही रखते हैं, इसको बाहर से नहीं लाते हैं। एक वैरायटी है और एक आप देख रहे होंगे आपके पीछे इस तरह से, देखिए वैरायटी है ये बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी है। ये मैंने इसका बीज घर ही में तैयार करा, आपने आप देख रहे हैं लंबे लंबे, ये करीबन 5 फीट, मतलब 4 फीट 5 फीट के आसपास लंबी हो जाती है और इसका वजन 10 किलो तक भी चले जाता है। अभी जो मेरे हाथ में है ये लगभग 3 से 4 किलो के आसपास है। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक इधर पर देख रहे होंगे लगे हुए हैं, तो आज ये मार्केट जाएंगी। अभी प्राइस भी इसका बहुत अच्छा मिल रहा है। और अभी एक दूसरी वैरायटी आप देखिए, कुछ लोग इस तरह की पसंद करते हैं, गोल यानी कि कद्दू की तरह की वैरायटी, यानी कि आप देख रहे होंगे कितना प्यारा इसका शेप है और यहाँ पे इस तरह से लगा है। इसको तूमा बोलते हैं, तूमा, इसको लौकी बोलते हैं। एक और तूमे में ही एक और वैरायटी है, ये बड़ी स्वादिष्ट होती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर पर लगी हुई है, ये स्पेशल वैरायटी है बहुत ज़्यादा। और जो बोलते हैं लौकी का रस, डॉक्टर भी प्रिफर करते हैं इसको, तो ये काफ़ी यानी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। और यानी आपको तरह तरह की, यहाँ पर ही मैंने आपको 3 तरह की ये किस्में दिखाई अभी, और आप मैं आपको ले चलता हूँ अपने आगे जो बेल है उसमें, आइएगा आप मेरे साथ। ये आप ये लौकियाँ जो लगी हुई हैं इसमें भी तूमे प्रजाति के, इसकी खासियत क्या है कि इसमें डायरेक्ट धूप पड़ती है, धूप से क्या होता है कि ये और भी अच्छी जब आप पकाएंगे तो स्वादिष्ट होती हैं और इसकी काफ़ी डिमांड रहती है मार्केट में, तो इस तरह से आप उधर भी लगा। इनसे जो है हमने थोड़ी बहुत जो है जानकारी इकट्ठी करी और आप देख सकते हैं आपकी इस लौकी को कैसे बेल से नीचे निकाल रहे हैं, ये देखिए बहुत खुश मिजाज लग रहे हैं सरपंच जी। अरे मजा आता है बागवानी में, देखिए अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने में, ये देखिए इन्होंने ये काटा, इस स्वादिष्ट लौकी और प्योर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्जी सेहत के लिए बहुत लाभदायक, देसी खाद का ही प्रयोग करा जाता है यानी गाय के। इसको भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपके सामने में, ये देखिए उचित वैरायटी की है ये भी, दातुन बहुत फूलेगी तो। और एक लौकी है जो इन्होंने जो है इससे कपड़े से बांधी है, ये इसके बारे में हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। देखो इसका, ये आपने पूजा जी बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी, ये आपने क्यों बांधा है। देखो मैं चाहता तो केमिकल भी आज की डेट में मार्केट में आता है जिससे मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन हम प्योर ऑर्गेनिक प्रोवाइड कराना चाहते हैं लोगों को, इसलिए क्योंकि जो मच्छर एक लाल कलर का होता है वो इस पर छेद कर देता है जिससे लौकी ख़राब हो जाती है, तो हमने उसके बचाव के लिए ये नई तकनीक निकाली है घरेलू। इससे क्या है कि वो अपना डंक इसमें नहीं मार सकता है और हमारी लौकी प्योर निकलेगी यहाँ से, और मैं केमिकल का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। शुद्ध जो मेरा लक्ष्य है कि मैं ऑर्गेनिक खिलाऊं, तो ये आपने बहुत अच्छा मेरे से प्रश्न पूछा। जो कपड़ा नहीं लगाया गया, जैसे मैंने इसमें कपड़ा नहीं लगाया था तो यहाँ पर क्या था, मच्छर ज़्यादा थे, तो इन्होंने देखो इस तरह से डंक मार रखा है आप देख रहे होंगे। अब ये लौकी तो बड़ी हो गई है लेकिन ये ख़राब तो नहीं है, फिर भी अगर छोटी होने पर क्या होता है कि ये डंक जब मारता है तो लौकी ख़राब हो जाती है, तो इस तरह से जैसे मैं इस लौकी को निकालता हूँ आप देखिएगा, इसको बोलते हैं तूमा, गोल यानी बॉल के, यानी वॉलीबॉल के शेप में, ये प्रजाति मैंने घर में विकसित करी है, तो हम बीजों को प्रिजर्व भी यानी घर पे ही करते हैं, ये देखिए
बेहतरीन। कीड़े ने इस तरह से नुकसान कराया है, वो मच्छर जो मैं बता रहा था आपको लाल कलर का मक्खी वाला, तो बाज़ार में तो सब केमिकल युक्त दवाइयाँ होती हैं, जैविक कोई इस तरह की तो मिलती नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से कपड़े बांध के सुरक्षित रखते हैं। इस तरह से देखिए हमने टेंट बना रखा है, लौकी की बेल यहाँ से लगा रखी है और पूरा खम्भों के सहारे लौकियाँ इसमें लग रही है। अभी छोटी वाली भी छोड़ दी गई है, वो नेक्स्ट 2-4 दिन में मार्केट को जाएंगी। और ये है अखरोट का पेड़, लेकिन इसमें भी इन्होंने बेल लगाई है, वो आप हमको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये अलग वैरायटी का है। एक साथ दो फसलें अखरोट के साथ साथ, यानी हम लौकी की भी फसल यहाँ पर ले रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, अखरोट टूट जाएंगे। ये पतझड़ वाला वृक्ष है, मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी वृक्षों पर बेल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम फलों के वृक्षों में लगाते हैं तो फल के पेड़ सूख जाते हैं बेलों से। लेकिन अखरोट क्या है, पतझड़ वाला पेड़ है, अभी इसके अखरोट हम तोड़ेंगे अगले महीने, तो इसके पत्ते भी धीरे धीरे झड़ जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा असर बेलें नहीं कर पाती हैं, और बेलों को भी हम फिर तुरंत निकाल देते हैं। और ये अखरोट देख सकते हैं आप, ये जो है भादों के महीने में हो जाते हैं। ये देखिए ये आम दिखाना, ये हमारे पेड़ में आम भी बहुत पके हैं इस बार। आम की वीडियो नेक्स्ट सेकेंड वीडियो बनाएंगे हम, अगली वीडियो उसमें आपको आमों के बारे में जानकारी देंगे। इस बार जो है अखरोट में भी ठीक ही फल है, देख सकते हैं आप। ये एक लौकी यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन छोटी छोटी है ये, इसे लगेगा टाइम। कागजी नींबू के पेड़, और हर जगह इन्होंने मच्छर से बचाने के लिए पेड़ लौकियों को जो है बांधा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये उनको कवर कर रखा है, ये देखिए। बहुत बेहतरीन लौकी निकल के आई पास में, ये तो कम से कम 5 किलो के आसपास की है जो नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए कैसी लगी आपको ये लौकी, बहुत अच्छी। और ये है कागजी नींबू का पेड़, आप देख सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में जो है कागजी नींबू लगे हुए हैं, देखिए आप। ये बहुत ज़्यादा फल है इस बार, ये देखिए आप, और दाने भी बहुत अच्छे हैं बड़े। रास्ते जो है बहुत कठिन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी क्योंकि ऊपर से जो है लकड़ियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसको धराती बोलते हैं, जो मेरे हाथ में दातुल बोलते हैं, इससे कटती है, इसे पहनाया जाता है इसको। देखिए ये लौकी में लगा दिया, तो अब ये कीड़े से बच जाएगा, यानी मच्छरों से इसकी सुरक्षा हो जाएगी। बाकी हमने इस तरह से जो लौकियाँ बड़ी हो रही है दूसरे तीसरे दिन, वो इस तरह से हमने निकाल दी है यहाँ पर हमने बांध दिया। ये भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ लौकी सेव करने का पहाड़ों में, ये दिखाइए, ये देखो इस बेल से हमें ये प्राप्त हुई। अब हम थकान लगी इसको मिटाने के लिए ताज़ा आम अपने पेड़ का देखिए, पेड़ में ही पका हुआ, यानी दशहरी से भी अच्छा आम, कौन सा प्रजाति तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट और मीठा। और ये मम्मी आम खाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका, आपने बहुत सुंदर ब्लॉग बनाया अभी आज का, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इनकी वीडियो आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।